मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने देहरादून मसूरी मार्ग बैंड पर हुए धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया है और MDDA के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की है, जिससे मार्ग करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, जिसके लिए ग्रामीण अपनी ही भूमि पर स्वरोजगार जोड़ रहे हैं, लेकिन MDDA यहां से हटा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहां के लोग यहां नहीं रोजगार करेंगे तो कहां पर रोजगार करेंगे। ग्रामीणों की दुकानों को यहां से हटा दिया जाता है जो करीब 400 ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर SDM सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा है कि मसूरी देहरादून के मार्ग पर बड़े बड़े अवैध निर्माण किए गए हैं और MDDA ने नोटिस भी जारी किया है, बावजूद भी यहां पर बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिसके ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी किए गए हैं और उनको यहां से हटाया जाएगा। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। देखिए, हमारा कहना ये था कि जिनके कागज सही हैं, जिला प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो अवैध रूप से की गई है, प्रॉपर तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कागज सही है, जिनका सीलिंग के ऑर्डर हो रखे, सील हो रखा है, बावजूद बिना नोटिस दिए उनको तोड़ दिया गया। कानून भी हमारा ये कहता है कि दोनों पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारी मांग यही है कि अभी उत्तराखंड नव उत्तराखंड है, इसको इसी तरह के स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा। अगर स्थानीय लोग रोजगार नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? नौकरियाँ हमारे पास है नहीं, नौकरियाँ हम दे नहीं सकते। तो रोजगार कर रहे हैं और उसको अगर तोड़ देंगे तो ये कम से कम 400 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। अभी जो है यहाँ पर जो बड़ी घमाघमी हो गई थी, क्योंकि प्रशासन जो है जितनी दुकानें थी टोटल दुकान को तोड़ रहा था यहाँ पर। फिर हमने जो है माननीय मंत्री जी को जो है फोन पर जो है वार्ता की और माननीय मंत्री जी ने DM साहब से बात की है और उसमें जो है DM साहब ने बोला है जो स्थानीय लोग वहाँ पर है उनका अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मसूरी से देहरादून रोड है हमारी, इस पर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं 4 मंजिल 5 मंजिल लोगों ने इल्लीगली खड़े कर लिए हैं, कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। MDDA ने इनको काफ़ी पहले नोटिस दे दिए थे और इनको हटाने के लिए बार बार कह भी दिया था, उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर चोरी छुपे बनाए जा रहे हैं। तो इनको जिनको भी चालान किए थे उनमें फर्स्ट पेज में डिमोलिशन ऑर्डर पास हो गया है।